आज जिस प्रोडक्ट की मैं बात करने जा रहा हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि मैं इसमें सारी जानकारी देने वाला हूँ, इसका सही इस्तेमाल, लगाने की विधि, कितने समय तक लगाना है और क्या क्या सावधानियाँ रखना है। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मत्स्य तीन प्रकार के होते हैं। प्रकार एक, कटे हुए अंकुरित मत्स्य चेहरे पर दाढ़ी और सिर के बालों वाले भाग में होते हैं। दूसरे प्रकार के गुठलीनुमा हार्ड मत्स्य गर्दन, बगल, पीठ, आँख के आसपास होते हैं। और तीसरे प्रकार के कठोर मत्स्य हाथ पांव और कुछ जन्म से नाक, होंठ या अन्य जगह होते हैं। तीनों प्रकार के मत्स्य का यूज़ करने का जो तरीका है वह अलग अलग है। अगर आप सही तरीके से यूज़ करते हैं तो इसका रिजल्ट सही है। आइए जानते हैं प्रोडक्ट के बारे में, वीडियो हम शुरुआत करते हैं। अभिलाषा मस्सा नाशक लोशन सिर्फ बाह्य उपयोग के लिए, इसका बाहरी उपयोग करना है, ओरल नहीं लेना है। अभिलाषा आयुर्वेद फार्मेसी का मस्सा नाशक लोशन शरीर पर उत्पन्न होने वाले मस्सों को जड़मूल से समाप्त करने की परीक्षित आयुर्वेदिक औषधि है। खान पान संबंधी कोई परहेज नहीं है। इससे त्वचा पर दाग, धब्बा और खराब प्रभाव नहीं होता है। मस्सा नाशक लोशन कम समय में स्थायी रूप से मस्सों को हटाने की उपयोगी औषधि है। आइए अब इसको लगाने की जो सामान्य विधि है उसके बारे में जानते हैं। लगाने का जो सही तरीका है, सर्वप्रथम बाटल को हिलाकर दवा को मिला लें। दवा को दी गई स्टिक से जिस प्रकार हम टीकी लगाते हैं, दवा मत्स्य पर सावधानीपूर्वक लगाएं कि दवा सिर्फ मत्स्य पर ही लगे, मत्स्य के आसपास नहीं लगे। यदि लग जाए तो उसको साफ करें, लगे रहने नहीं दें। दवा को केवल 10 मिनट लगा के रखें। दवा लगाने के बाद 5 मिनट हो जाए तब दवा मत्स्य पर एक बार लगी हुई दवा पर पुनः लगाएं और 5 मिनट और लगे रहने दें। पश्चात दवा को रुमाल टाइप के कपड़े को पानी में गीला कर दवा को साफ करके मत्स्य पर नारियल तेल अथवा शुद्ध देसी घी की मालिश करें। दवा प्रतिदिन जब तक मस्सा नहीं निकले लगाते रहें। दवा लगाने पर मस्सा लाल और काला होता है। मस्सा काला होने के बाद दवा लगाना बंद कर दें और नारियल तेल अथवा शुद्ध देसी घी की मालिश करते रहें। मस्सा 2 से 3 दिन में सूख कर निकल जाएगा। मस्सा निकलने के बाद यदि कुछ भाग शेष रह जाए तो दवा लगाए, अन्यथा न लगाए। मस्सा निकलने पर थोड़ा बहुत खून आता है तो खून रोकने के लिए आप मत्स्य पर हल्दी या रुई आदि लगाएं। दोस्तों यह सामान्य विधि है। अब मैंने बताया था आपको कि मत्स्य अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के मत्स्यों में कौन से प्रकार के मत्स्य में कैसा इसका उपयोग होना चाहिए, कितने समय का उपयोग होना चाहिए, आगे मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि पहले अगर छीर कटे अंकुरित मत्स्य चेहरे पर जो कि दाढ़ी और सिर के बालों वाले भाग में होते हैं, इस प्रकार का मत्स्य है, तो इस प्रकार के मत्स्य को दवा पोंछते समय हल्के हाथ से कपड़े से हटाए व जितना मत्स्य सहज रूप से निकल जाए निकाल देवे, शेष दूसरे दिन करें। गुठलीनुमा हार्ड मत्स्य गर्दन, बगल, पीठ, आँख के आसपास होते हैं। इस प्रकार के मत्स्यों में 1 सप्ताह का समय लगता है। आँख के आसपास के मत्स्यों पर दवा को सिर्फ 5 मिनट ही लगाए और साफ करें। तीसरे प्रकार जो मत्स्य है, कठोर मत्स्य हाथ पांव और कुछ जन्म के नाक, होंठ या अन्य जगह होते हैं। इस प्रकार के मत्स्यों के लिए दवाई का 15 से 20 दिन का समय लगता है। मत्स्य परत दर परत थोड़ा निकलता रहता है। कुछ सावधानियां इसमें दी है मैं आपको बताता हूं जिसके बारे में। जैसे कि
अधिक मत्स्य होने पर सभी मत्स्यों पर एक साथ दवा ना लगाएं। पहले एक मत्स्य पर लगाकर दवा किस प्रकार कार्य करती है यह पहले आप समझ लेवें, उसके बाद ही दूसरे मत्स्य पे लगाना है। दवा एक दिन में एक बार और 5 से 10 मिनट का जो समय है उससे अधिक ना लगाएं। दवा टूथपिक, इसमें एक टूथपिक स्टिक दी हुई है, उस टूथपिक स्टिक से ही लगाएं, उसमें रुई नहीं लगाएं। दवा कांच में देखकर स्वयं ना लगाएं, अर्थात किसी अन्य व्यक्ति से ही लगाएं ताकि त्वचा पे ना लगे, सही जगह पर लगे। नोट करने का पॉइंट जो है, एक बवासीर के मत्स्यों में दवा ना लगाएं। दूसरा, शुगर के मरीज यदि घाव जल्दी नहीं भरता हो या पस पड़ता हो तो ना लगाएं। शुगर के मरीजों के लिए यह औषधि नहीं है, शुगर के मरीजों को औषधि उपयोग ये वाली नहीं करना चाहिए। तीसरा, उपयोग के बाद दवा किसी अन्य व्यक्ति लगाने हेतु ना देवे, संक्रमण हो सकता है। आपकी उपयोग की हुई जो दवाई बची हुई है वो किसी अन्य व्यक्ति को ना दे ताकि संक्रमण से बच सके। अन्य किसी भी जानकारी हेतु कंपनी का हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जिस पे आप बात कर सकते हैं। कंपनी का हेल्पलाइन नंबर है 8878666641। दोबारा नोट कर सकते हैं आप 8878 4×6 41। दवा आँख में नहीं जाएं, बच्चों की पहुँच से दूर रखें। एक विशेष सलाह जो कंपनी के द्वारा दी गई है, यदि चेहरे पर मस्सा है तो दवा लगाने से पहले आपके पास घर में जो कोई भी क्रीम हो मस्से के आसपास एक राउंड बना ले, सुरक्षा चक्र बना ले, उसके बाद में बीच में वह मस्सा नाशक दवाई लगाएं। आगे कस्टमर फीडबैक की बात करूं तो दोस्तों, मैंने पर्सनली मेरी दाढ़ी पर एक मस्सा हो चुका था, काफ़ी बड़ा हो चुका था। उस मस्से पे मैंने इसका करीब 6 रोज़ यूज़ किया, यह जड़ से साफ हुआ। पहले मुझे भी डाउट था कहीं ये दाग ना छोड़ दे चेहरे के ऊपर, बाकी एकदम क्लियर से इसने साफ किया है। दवाई अच्छी काम करती है। मस्सा नाशक जिन औषधियों से मिलकर बनी है उनकी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। जैसे कि ईच 5 ml कंटेंस, प्रत्येक 5 ml के अंदर कुरकुमा लोंगम 25 mg, अलूमिनियम सल्फेस 15 mg, अमोनियम क्लोराइड 100 mg, कोरोक्सिलोन फोइटिडियम 500 mg और सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द टेल्क पाउडर QS, मतलब क्वांटिटी सफिशिएंट। यह प्रोडक्ट अभिलाषा आयुर्वेदिक फार्मेसी कंपनी का प्रोडक्ट है। 5 ml इसकी पैकिंग है जिसकी कीमत MRP 75 रुपये है। यूज़ विद इन 1 month आफ्टर ओपन इट, नोट पॉइंट करना है आपको, इसको ओपन करने के 1 महीने के अंदर ही इसका उपयोग हो जाना चाहिए। आप इसकी एक्सपायरी देखकर नहीं, अगर आपने इसका ढक्कन ओपन कर लिया है तो 1 महीने के अंदर इसका उपयोग करना है। प्रोडक्ट मस्सा नाशक इस प्रकार की टूथ स्किप, टूथ स्टिप इसमें दी हुई है, इस टूथ स्टिप से ही दवाई को यूज़ करना है। दवाई की बॉटल अच्छे से सेक करना है। आमतौर पर कोई से भी दवाई हो उसको इस्तेमाल से पहले आपको अच्छे से सेक करना, मतलब हिलाना रहता है ताकि दवाई अच्छे से मिक्स हो जाए। बाकी डिटेल की जानकारी के लिए इसके अंदर एक लीफलेट रखा हुआ है जिसमें सारी डिटेल्स दी हुई है। दोस्तों, इसी प्रकार के कई महत्वपूर्ण प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध रहते हैं पर आम इंसान को इसकी जानकारी नहीं होती है। इस कारण
वह इसका उपयोग नहीं कर पाता है, वो लाभ नहीं ले पाता है। इसी प्रकार के प्रोडक्ट्स की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRX ओम प्रकाश गुर्जर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन घंटी वाली बटन दबा के आल सेलेक्ट करें ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें और आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ